सभी बहन भाइयों की मीठी मीठी राम राम। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे चार्जर की तार टूट जाती है। ये देखिए, मेरी भी टूट रखी है, इस तरफ से भी टूट गई थी। तो ये मैंने एक लगाया है जुगाड़, तो ऐसा ही आपको भी लगाना बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक ऊन का या कोई भी आप मोटा धागा ले लो। ये धागा मैंने जैसे ले लिया है और इसको यहाँ पे रखो। वैसे हम जैसे टेप टूप लगाते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, तो ये कुछ भी नहीं होगा इसकी। तो ये हमने ऐसे लूप बना के और यहाँ कर लिया है। एक थोड़ा लंबा छोड़ लो और एक धागा छोटा छोड़ लो। तो इस लंबे वाले धागे को हम इस पर लपेटना शुरू करेंगे, इसको छोड़ के। तो जिस तरफ हमारी तार ख़राब है उस तरफ हम इसको लेते आएंगे लपेटते लपेटते। देखिए ऐसे करके डबल भी कर सकते हो आप, और दो बार भी आप लपेट सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो इधर चला गया, दिख तो रहा है ना। ऐसे लपेटते लपेटते ले आओ, थोड़ा सा नज़दीक कर देती हूँ। या जैसे हम किसी के भी जैसे रस्सी बांधते हैं गोल गोल करके, ऐसे ही आप जहाँ तक आपकी तार टूटी हुई है उसमें ले आओ। और फिर जो ये लूप हमने बनाया है इसमें इसको फंसा लो। इसमें फंसा लिया और इसको हम पकड़ लेते हैं, और जो ये लूप वाला है इसको हम खींच देते हैं। तो ये हो गया है हमारा टाइट, बिल्कुल टाइट हो गया। ये देखिए, और ये जो तार टूटी हुई थी इसके ऊपर से पूरा कवर हो गया है। अब हम इसको घुमाते घुमाते इस तरफ ले आएंगे। ये देखिए, और इसके साथ अटैच करके जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट देंगे। अभी मैं इसके गांठ लगा देती हूँ। तो ये मैंने इसके डबल गांठ लगा दी है। इसको आप ग्लू से चिपका भी सकते हो और कैंची से काट भी सकते हो। अब ये गांठ कहीं नहीं जाएगी। और हमारा चार्जर देखो कितना मजबूत हो गया, मैंने ऊन लगाई है। धागा भी आप लगा सकते हो, और तार तो नहीं लगा सकते, तार से तो और ज़्यादा कट जाएगी। आप धागा लगाओ या ऊन लगाओ, तो मैंने दोनों तरफ से अपना चार्जर मजबूत कर लिया। ये देखिए, इसके भी हम काट देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो उस चिपचिपी टेप से बचने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब चाहे इसको कैसे ही मोड़ो कैसे ही तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ना ये टूटेगी और मजबूत भी हो गए। तो मैंने ये आपको सिखाना था। जिसके भी चार्जर टूटे हुए हैं आप ठीक कर लो प्लीज़। धन्यवाद।